नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो छोटा हूँ, सारी जिंदगी छोटा ही रहूँगा, हमेशा बड़े भाई की उतरन के कपड़े ही पहनता रहूँगा। क्यों माँ, क्या मेरा इस घर पर कोई अधिकार नहीं, आनंद ने बुरा सा मुँह बनाकर कहा। रात गहरी हो चुकी थी। नीता ने रसोई समेटी और बाहर आकर दोनों बेटों के पास खड़ी हो गई। वे दोनों आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। तुम दोनों कब लड़ना छोड़ोगे, मेरी समझ में नहीं आता, तुम लोग क्या चाहते हो, क्यों इस घर को लड़ाई का अखाड़ा बना रखा है। आज तक तो तुम्हारे पिताजी मुझसे लड़ते रहे, उस मानसिक क्लेश को सहते सहते मैं तो आधी हो चुकी हूँ, जो कुछ शेष हूँ उसकी कसर तुम दोनों मिलकर निकाल रहे हो। पर माँ, तुम हमेशा बड़े भैया नीलेश का ही पक्ष क्यों लेती हो, क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं, तुझे तो हमेशा उससे चिढ़ रहती है, माँ मुंह बनाती हुई अंदर चली गई। वैसे यह सच भी था, माता पिता के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण ही नीलेश व आनंद आपस में बहुत लड़ते थे। माँ का स्नेह बड़े बेटे नीलेश के प्रति अधिक था, जबकि पिता छोटे बेटे आनंद को ही ज्यादा चाहते थे। दोनों भाइयों की एक छोटी बहन थी रूपा। रूपा बेचारी घर के इस लड़ाई झगड़े के माहौल में हरदम दुखी रहती थी। नीलेश व आनंद भी उसे अपने पक्ष में करने के लिए हरदम लड़ते रहते थे। वह बेचारी किसी एक का पक्ष लेती तो दूसरा नाराज हो जाता। उससे दोनों ही बड़े थे, वह चाहती थी कि तीनों भाई बहन मिलकर रहें, घर की बढ़ती हुई समस्याओं के बारे में सोचें, खूब पढ़ें ताकि अच्छी नौकरियां मिल सकें। उसने जब से होश संभाला था, घर का वातावरण ऐसा ही आतंकित सा देखा। माँ बड़े भाई नीलेश का ही पक्ष लेती, शायद उन्हें लगता होगा कि वही उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पिता माँ से ही उलझते रहते और छोटे भाई को दुलारते। वह बेचारी उन सब के लड़ाई झगड़ों से डरी परेशान सी रूपा सुबह से शाम तक इसी सोच में डूबी रहती कि घर में कब व कैसे शांति हो सकती है। सुबह को हुई बहस के बारे में वह आंगन में बैठी सोचती रही कि बड़े भैया नीलेश की उतरन के कपड़े पहनने के लिए आनंद भैया ने कितना बुरा माना, लेकिन वह जो हमेशा इन दोनों की उतरन पहनती आई है उसके बारे में कभी किसी का ख्याल नहीं गया। वह सोचती, माता पिता का ऐसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार क्यों है, क्यों ये लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं। अब तो हम सभी बड़े हो रहे हैं, हमारे घर की बातें बाहर पहुंचे यह कोई अच्छी बात है भला। त्रस्त सी ख्यालों में डूबी वह चुपचाप भाइयों की लड़ाई का हल ढूंढा करती। रूपा का मन इस वातावरण से ऊब गया था। वह एक दिन शाम को विचारों में लीन आंगन में अमरूद के पेड़ के नीचे बैठी थी। अचानक एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उसके पास आकर गिरा। चौंकते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा कि कौन है। अभी वह इधर उधर देख ही रही थी कि एक और टुकड़ा आकर गिरा। इस बार उसके साथ एक छोटी सी चीट भी थी। घबरा कर रूपा ने घर के अंदर निगाहें दौड़ाई। इंतफाक से माँ अंदर थी, दोनों भाई भी बाहर गए हुए थे। अब उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छुपा हुआ उसकी तरफ देख रहा है। हिम्मत करके उसने वह चिट खोलकर पढ़ी तो उसकी जान ही निकल गई। लिखा था, रूपा मैं तुम्हें काफी दिनों से जानता हूँ, तुम यूं ही हर शाम इस आंगन में बैठी पढ़ती रहती हो, तुम्हारी हर परेशानी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ और उसका हल भी जानता हूँ। तुम मुझे कल स्कूल की छुट्टी के बाद बाहर के पेड़ के पास मिलना, तब मैं बताऊंगा गोलू। पत्र पढ़कर डर के मारे रूपा को पसीना आ गया। गोलू उसके पड़ोस में ही रहता था। उसके बारे में सब यही कहते थे कि वह आवारा किस्म का लड़का है, उसके पास क्या हल हो सकता है मेरी समस्याओं का। रूपा का दिल बड़ी कसमकस में उलझ गया और वह बेचैन सी हो गई। वह भी तो यही चाहती थी कि उसके घर में लड़ाई झगड़ा न हो,
हमारे घर की बातें गोलू को कैसे पता चल गईं? क्या उसके पास जाना चाहिए? इसी सोच में सवेरा हो गया। स्कूल में भी उसका दिल न लगा। हाँ और नहीं मैं उलझा उसका मन, कोई निर्णय नहीं ले पाया। स्कूल की छुट्टी की घंटी से उसका ध्यान बटा। देख लेती हूँ, वैसे बात करने में क्या नुकसान है। रूपा ख्यालों में गुम नीम के पेड़ के पास पहुँच गई। सामने देखा तो गोलू खड़ा था। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी, गोलू ने कुटिलता से कहा। सुबह शीशे में शक्ल देखी थी तुमने? क्यों, क्या हुआ मेरी शक्ल को? रूपा डर गई। तुम बहुत सुंदर हो, गोलू ने जाल फेंका। उसके विचार में मछली फंस चुकी थी और रूपा भी आत्मीयता से बोले गए दो शब्दों के बदले बहक गई। इस छोटी सी मुलाकात के बाद तो यह सिलसिला चल पड़ा। रोज ही गोलू उससे मिलता, उसके साथ दो चार घर की बातें करता, उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता कि वह उसके हक सुख दुख में साथ है। बातों बातों में ही उसने रूपा से घर की सारी स्थिति जान ली। उसके दोनों भाइयों के बारे में भी वह काफी जानता था। वह धीरे धीरे जान गया था कि रूपा को अपने भाइयों से बहुत मोह है और वह उनके आपसी लड़ाई झगड़े के कारण बहुत तनाव में रहती है। गोलू ने यह कमजोरी पकड़ ली थी। वह रूपा के प्रति झूठी सहानुभूति जताकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था। वह एक आवारा लड़का था जिसका काम था रूपा जैसी भोली भाई लड़कियों को फंसाकर अपना उल्लू सीधा करना। अब रूपा घर के झगड़ों से थोड़ी दूर हो चुकी थी। अब गोलू के ख्यालों में डूबी रहने लगी। आनंद को एक दो बार उसकी यह खामोशी चुभी भी थी, पर वह खामोश ही रहा। आनंद को तो बस नीलेश को ही नीचा दिखाने की पड़ी रहती थी। दोनों भाई घर की बिगड़ती स्थिति से बेखबर थे। वे दोनों चाहते तो आपसी समझ से लड़ाई झगड़ों को दूर कर सकते थे और सच कहा जाए तो उनकी इस स्थिति के जिम्मेदार उनके माँ बाप थे। अभावग्रस्त जीवन अक्सर कुंठा का शिकार हो जाता है। जहाँ आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात आ जाए, वहाँ प्यार का माहौल कैसे बना रह सकता है? रूपा गोलू से रोजी कहती कि वह उसके भाइयों का झगड़ा समाप्त करा दे। गोलू भी उसकी इस कमजोरी को भुनाना चाहता था। उसकी समझ में रूपा अब उसके मोहजाल में फंस चुकी थी। दूसरी ओर रूपा गोलू की किसी भी बुरी भावना से परिचित नहीं थी। उसने अनजाने में ही सहज हृदय से उस पर विश्वास कर लिया था। उसका कोमल मन घर की कलह से निजात चाहता था। एक दिन ऐसे ही रूपा गोलू के पास जा रही थी कि रास्ते में बड़ा भाई नीलेश मिल गया। तू इधर कहाँ जा रही है? भैया मैं अपनी सहेली के पास कुछ नोट्स लेने जा रही थी, रूपा ने सकपका कर कहा। तू घर चल, नोट्स मैं लाकर दे दूंगा और आगे से स्कूल के बाद सीधा घर जाया कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, भाई ने उससे कहा। उस दिन गोलू इंतजार ही करता रह गया। अगले दिन वह बड़े गुस्से में था। कारण जानने पर रूपा से बोला, हाँ तुम्हें आने से मना कर दिया और खुद जो सारा दिन घर से गायब रहते हैं तब कुछ नहीं होता। उस दिन रूपा बहुत डर गई। गोलू के चेहरे से लगा कि वह उसके भाइयों से बदला लेना चाहता है। वह सोचने लगी कि कहीं उसके कारण भाई किसी परेशानी में न पड़ जाए। उसने गोलू को समझाना चाहा, मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, मेरे भाइयों ने दोबारा देख लिया तो खैर नहीं। यूं भी तुम मुझ पर जरूरत से ज्यादा गुस्सा करने लगे हो, मैं तो तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझती थी। ओ जरा से भाई के धमकाने से तू डर गई, मैं तो तुझे बहुत हिम्मत वाली समझता था, गोलू ने मीठे बोल बोले। नहीं इसमें डरने की बात नहीं, पर ऐसे आना ठीक नहीं होता। अरे छोड़, चल उस पहाड़ी के पीछे चल कर बैठते हैं, वहां से तुझे कोई नहीं देखेगा, गोलू ने फिर पासा फेंका। नहीं मैं घर जा रही हूँ, बहुत देर हो गई है आज तो,
इस पर गोलू ने जोर जबरदस्ती का रास्ता अपनाने की सोची। ये लोग अभी बात ही कर रहे थे कि अचानक रूपा का भाई नीलेश वहां आ गया। उसने देखा कि रूपा घबराई हुई है। उसके पास ही गोलू को खड़े देखकर उसके माथे पर गुस्से के बल पड़ गए। उसने गोलू से पूछा, तू यहाँ मेरी बहन से क्या बातें कर रहा है? अपनी बहन से ही पूछ लेना, गोलू ने रूखे स्वर में कहा। इससे तो मैं पूछ ही लूंगा, तू अपनी कह। इसके पास क्या करने आया था? नीलेश ने कड़े स्वर में कहा। तेरी बहन ने ही मुझे आज यहाँ बुलाया था। कहती थी कि पहाड़ी के पीछे चलते हैं, वहाँ हमें कोई नहीं देखेगा। गोलू कुटिलता से हंसा। क्या कहा, मैंने तुझे यहाँ बुलाया था? रूपा ने हैरान होकर कहा। मुझे नहीं पता था कि तू इतना बड़ा झूठ भी बोल सकता है। अरे वाह, हमारी बिल्ली और हम ही को म्याऊं, तू ही तो रोज मेरा यहाँ इंतजार करती रहती थी। बस बहुत हो चुका गोलू, सीधे से अपने रास्ते चला जा वरना, नीलेश ने गुस्से से कहा। हाँ हाँ चला जाऊंगा, पर तेरी बहन को साथ लेकर ही। गोलू बेशर्मी से हंसा। जरा मेरी बहन को हाथ तो लगा कर देख। कहने के साथ ही नीलेश ने जोरदार थप्पड़ गोलू को जड़ दिया। बस फिर क्या था, उन दोनों में मारपीट होने लगी। शोर बढ़ने से लोग वहां एकत्र होने लगे। झगड़ा बढ़ता ही गया। एक बच्चे ने जाकर नीलेश के घर में बता दिया। माँ ने सुना तो झट आनंद से बोली, अरे सुना तूने, पड़ोस के गोलू से तेरे भाई की लड़ाई हो रही है, जाके देख तो जरा। मैं क्यों जाऊं, उसने कभी मेरा कहा माना है? हमेशा ही तो मुझसे जलता रहता है, हर रोज झगड़ता है मुझसे। अच्छा है, गोलू जैसे गुंडों से पिटने पर अक्ल आ जाएगी, आनंद ने गुस्से से कहा। पर इस वक्त बात तेरी व उसकी लड़ाई की नहीं है रे, रूपा भी वहीं खड़ी है, जाने क्या बात है, तुझे क्या अपनी बहन का जरा भी ख्याल नहीं? यह बात है तब तो जाना ही पड़ेगा, रूपा तो मेरा बड़ा ख्याल रखती है, अभी जाता हूँ देखूं क्या बात है। तुरंत उठकर आनंद ने साइकिल निकाली और कुछ देर में नीम के पेड़ के पास पहुंच गया। सामने जो नजारा देखा तो उसका खून खौल उठा। गोलू के कई साथी उसके भाई को मार रहे थे और गोलू खड़ा हंस रहा था। रूपा ने उसे आते देखा तो एकदम रो पड़ी। भैया, नीलेश भैया को बचा लो, वे मेरे खातिर बहुत देर से पिट रहे हैं। अपने सगे भाई को यूं पिटता देख आनंद आग बबूला हो गया। तभी गोलू ने जोर से कहा, लो भाई एक और आ गया भाई की पैरवी करने। लड़कों के हाथ रुके, मुड़कर देखा तो आनंद की आंखों में खून उतर आया था। उसने वहीं से ललकारा, खबरदार, जो अब किसी का हाथ उठा एक एक को देख लूंगा मैं। अरे वाह, पहले अपने को तो देख, रोज तो अपने भाई और माँ बाप से लड़ता झगड़ता है, आज कैसा शेर हो रहा है, गोलू ने चिढ़ाया। पहले तो तुझे ही देख लूं, बहुत देर से जबान लड़ा रहा है, कहते हुए आनंद ने पलटकर एक घूंसा गोलू की नाक पर दे मारा और बोला, मैं अपने घर में किस किस से लड़ता हूँ तुझे इससे क्या मतलब, वह हमारा आपसी मामला है। तूने यह कैसे सोच लिया कि तू मेरी बहन व भाई पर यूं ही हाथ उठा सकता है? गोलू उसके एक ही घूंसे से डर गया था। इस बीच नीलेश को भी उठने का मौका मिल गया। फिर तो दोनों भाइयों ने मिलकर गोलू की खूब पिटाई की। गोलू के दोस्त मैदान छोड़कर भाग गए। नीलेश के माथे से खून बहता देख आनंद उसे लेकर पास ही एक क्लिनिक पर गया और उसकी पट्टी करवाई। फिर आनंद ने नीलेश को अपनी बाहों में उठाया और कहा, चलो घर चलते हैं। भरी आंखों से नीलेश ने आनंद की आंखों में झांका। वहां नफरत की जगह अब प्यार ही प्यार था, अपनत्व का भाव था, घर की शांति थी, एकता का एहसास था। रूपा दोनों भाइयों का हाथ पकड़कर बीच में खड़ी हो गई, फिर धीरे से बोली, मैं भी तो यही चाहती थी। फिर तीनों एक दूसरे का हाथ थामे घर की ओर चल दिए।
तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।